ओनली फेस ऑफ इट चैप्टर के बारे में बातचीत कराएंगे और ओनली फेस ऑफ इट से पहले चैप्टर से हमने आपके पास ग्रामर्स कराया था, मेन मॉडल्स का प्रयोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम माइट और दूसरे मॉडल्स का प्रयोग कराएंगे। तो इस चैप्टर में ऑन द बेस ऑफ इट हैज बीन रिटन बाय सुरेश हिल के द्वारा जो है यह लिखा गया पार्ट है ऑन द बेस ऑफ इट। ही वाज ए ग्रेट राइटर, महान कवि वो लेखक था। ही हैज रिटन मैनी स्टोरी एंड नॉवल्स, उसने बहुत सी कहानियां और नॉवल्स लिखी है। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्ले, यह एक महत्वपूर्ण जो है प्ले है। इट gives us an important message, यह एक हमें महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। This is a play about a young boy. एक यंग बॉय है, डैरी उसके बारे में है और मिस्टर लैम्प के बारे में। दो इसमें करेक्टर हैं, एक डैरी और मिस्टर लैम्प। डैरी इज ए यंग बॉय, एक नौजवान लड़का है। वन डे ही गोज टू गार्डन, एक दिन वह एक बाग में जाता है, ठीक है। और बाग किसका है? ओनर ऑफ द गार्डन वाज मिस्टर लैम्प। किसका बाग है? मिस्टर लैम्प का। वो डैरी थिंक्स दैट देयर इज नोबडी इन द गार्डन, और वह सोचता है डैरी की बाग में कोई नहीं है। ही गोज टू द गार्डन फॉर स्पेंडिंग सम टाइम, वह कुछ समय व्यतीत करना चाहता है वहां पर, इसलिए वह बाग में गया। पीपल आर afraid of him, लोग उससे डरते हैं। One side of his face is burned, एक उसका जो शरीर का हिस्सा है फेस वह जल चुका है। His face looks ugly, और उसका जो चेहरा है वह बहुत भद्दा दिखाई देता है। People avoid and hate him, लोग उससे बचते हैं और घृणा करते हैं। After some time, Derry find that Mr. Lamb इज डेड, और कुछ समय के पश्चात उसको पता चलता है कि डैरी की जो है मृत्यु हो चुकी है। और हर डैरी इज वेरी सैड, हर डेथ मेक्स डैरी इज वेरी सैड, और डैरी को उसकी मृत्यु जो है बहुत उदास कर देती है। तो ये चैप्टर प्यारे बच्चों, ये लेसन डैरी के बारे में है और मिस्टर लैम के बारे में है। और अगला चैप्टर जो है हम फिर दोबारा से शुरू करेंगे आपके पास। तो आपका सिलेबस अब कंप्लीट होने जा रहा है और उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर जो सैंपल पेपर है वो धीरे धीरे हम शुरू करेंगे। और इस वीडियो को आपने लाइक करना है और मानव विकास संगठन हरियाणा चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।